राफेल मुद्दे पर कांग्रेस के घेरने के बाद अब राष्ट्रीय लोक दल के लोग भी भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना अपने कार्यकर्ताओं और आरएसएस को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। त्यागी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश में विभिन्न राजनीतिक दलों का महागठबंधन तैयार हो रहा है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना है। उन्होंने बताया कि महागठबंधन में प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला लोकसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। त्यागी ने कहा कि मोदी राज में आम किसान, मजदूर और कर्मचारी वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन अंबानी और अडानी की संपत्ति जरूरत से ज्यादा बड़ी है। मोदी राज में किसान बेहाल है, फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं और बढ़ती महंगाई के कारण पिछले साल देश में 20,000 किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फसलों के रेट निर्धारित करके किसानों को लूटने से बचाए, जिससे कि किसान आत्महत्या जैसे कदम ना उठाए। त्यागी ने कहा कि स्विस बैंक की हाल ही में आई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पिछले 5 सालों में काला धन 1.5 गुना बढ़ गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले चुनावों में काला धन वापिस करने की बात कहकर सत्ता में आए थे। वहीं हिमाचल के मुद्दे पर त्यागी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम अपने ही जिला तक सीमित होकर रह गए हैं। प्रदेश में भाजपा राज में सेब का कारोबार व अन्य उद्योग बर्बाद होने की कगार पर हैं। त्यागी ने कहा कि हिमाचल की युवा शक्ति रोजगार ना मिलने से परेशान है, ऐसे में सरकार को युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लघु उद्योगों के प्रति आकर्षित करना चाहिए। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लघु उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को 20 लाख तक के लोन बिना ब्याज के उपलब्ध करवाए। यही नहीं, पहाड़ी राज्य होने के चलते हिमाचल के नौजवानों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने बहुत करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना से लोन दिया है। मैं सारे देश में जा रहा हूँ कि कहीं कोई नौजवान नहीं मिला जिसे मुद्रा योजना से लोन मिला हो। मुद्रा योजना एक बहुत बड़ा घोटाला है, और ये घोटाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों को और आरएसएस के लोगों के घरवालों को पैसा दिया है। इसमें किसी बेरोजगार लोग को पैसा नहीं दिया गया। इस घोटाले की जाँच होनी चाहिए और प्रधानमंत्री इस देश में जनता का भला न करके एक आरएसएस के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये काले जो लोगों की मेहनत की कमाई है उन लोगों को बांट दिया। दूसरा जो आपने सवाल किया है किसान वाला, ये सरकार किसान विरोधी है। किसान सारे देश में लूट रहा है। नासिक में 2 रुपए किलो प्याज और दिल्ली और आपके हिमाचल में 40 रुपए बिक रही है। किसान को 6 महीने में 2 रुपए मिल रहे हैं और जो ब्लैकियां हैं बीच में जो चोरबाजारी कर रहे हैं वो तमाम पैसा खा रहे हैं। ये उदाहरण तो है ही है। एक बड़ा उदाहरण ये है जीएसटी में कि किसान के ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी है और अंबानी और अडानी की जो मर्सिडीज है उस पर भी 28% है। तो मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए और सुनते हुए भी कि अरुण जेटली जी और मोदी जी कुछ तो शर्म करो कि अंबानी और अडानी पर और किसान पर बराबर टैक्स है। इससे ज्यादा इस देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये गांधी का देश है, ये चौधरी चरण सिंह का देश है, किसानों का देश है। इसमें किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय, इससे ज्यादा इस सरकार की किसान विरोधी नीति का पर्दाफाश नहीं हो सकता। तीसरा जो आप कह रहे हो इसमें अभी महागठबंधन का महागठबंधन मिलकर लड़ेगा, सब तय हो गया है। हर प्रदेश में मिलकर हम लोग लड़ेंगे और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय होगा महागठबंधन का। इससे पहले कोई कैंडिडेट नहीं होगा और ये तय हो गया है। मोदी जी की विदाई 19 में तय है और महागठबंधन का प्रधानमंत्री स्मृति में बनेगा, ये तय हो चुका है। आज आपने प्रदेश में जो है लोकदल का जो है आज गठन किया है, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, इसके बारे में किस तरह से आपकी योजना है? देखिए, हम हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में अपना संगठन बनाएंगे। हम नौजवानों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, महिलाओं को, कर्मचारियों को, सबको जोड़ेंगे। और शर्मा जी एक अनुभवी नेता है, पुराने नेता है, ये एक जो आजादी की लड़ाई जिस परिवार ने लड़ी है उसमें से आते हैं, साझवादी हैं पुराने, तो ये काम करेंगे। और हम लोग पूरे प्रदेश में किसानों के साथ यहाँ हड़ताल भी हो रही है। किस सेब का मैं कहूँ कि हिमाचल के सेब के किसान को 10 रुपए किलो
और दिल्ली में उपभोक्ताओं को 150 रुपए किलो से यही सेव 150 रुपए किलो, तो इससे बड़ी लूट का क्या उदाहरण है? मोदी जरा इसमें गौर कर ले। जयराम ठाकुर को होश ही नहीं है मंडी में दावत खाने के अलावा। आपका मुख्यमंत्री अपने प्रेसिडेंसी में दावत खाते घूम रहे हैं, उनको प्रदेश की चिंता नहीं है, उनको प्रदेश के सेव के किसान की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है, इसलिए मैं आके आपसे बात कर रहा हूँ और इस पर हम काम करेंगे।